वेलकम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना में एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आप कौन सी जॉब यहाँ पे कर सकते हैं। इससे पहले रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाया था कि चाइना में क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब कर सकता है कि नहीं कर सकता। पहले अलाउ नहीं था, लेकिन अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने बनाए, अगर आप इस पर पूरा उतरते हैं फिर आप चाइना में अब काम कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसी जॉब्स जो चाइना में आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर वन पे आता है टीचिंग एंड होम ट्यूशन। टीचिंग का ये है कि आप किंडरगार्टन में और ट्रेनिंग सेंटर्स में एज अ इंग्लिश टीचर आप पढ़ा सकते हैं। इसके लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको 150 युआन से लेकर 200 युआन तक आपको देते हैं। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो, जैसे कि शंघाई, बीजिंग या सिचुआन जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर बनस्पतन छोटी सिटी हो तो आपको वहाँ पे पेमेंट तकरीबन 100 से 150 पर आवर के हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी रिस्क ये है कि चाइना में किंडरगार्टन में टीचिंग करना या जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे टीचिंग करना अलाउ नहीं है स्टूडेंट वीज़ा पे। तो कभी कभार होता ही है कि जो यहाँ के पुलिस हैं वो छापा मारते हैं, तो अगर आपको पकड़े जाएं तो हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर दें। लेकिन नॉर्मल जो स्कूल और जो पुलिस वाले होते हैं वो दूसरे को जानते हैं तो इतना नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये केसेस आते हैं तो इस बारे में थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। और दूसरा है होम ट्यूशन। होम ट्यूशन बहुत ज़्यादा सिक्योर है कि आप किसी के घर पर जाएँ और उनके बच्चों को वो पढ़ाएँ, तो वहाँ पे भी तकरीबन 1 घंटे का आपको 150 से 200 युआन आपको दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में आपकी स्किल्स हैं, आप स्पीकिंग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बोनस होगा, क्योंकि आप दूसरे सब्जेक्ट भी उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप इजीली मंथली तकरीबन हफ्ते में 2-3 क्लासेस दे के 1000-2000 तक आप इजीली कमा सकते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। दूसरा जॉब जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं वो है यूनिवर्सिटी के अंदर आप कैंटीन में या दूसरे जो शॉप्स हैं वहाँ पे 3-4 घंटे के लिए काम कर लें। कैंटीन में मैं यहाँ पे एक मुस्लिम कैंटीन था वहाँ पे मैं तकरीबन 7-8 महीने में वहाँ पे काम कर चुका हूँ। तो वहाँ पे नॉर्मली पे बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन वो सिक्योर होता है और आप पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे तकरीबन 8 महीने वहाँ पे काम किया था, तो वहाँ पे वो खाना पीना बिल्कुल फ्री था। इसके अलावा वो पर मंथ आपको 300 से 400 युआन पर महीने के हिसाब से आपको देता है, और वहाँ पे ड्यूटी भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि मैंने अपने 4th ईयर में यहाँ पे मैंने ये जॉब की थी, तो उस वक्त मेरे क्लासेस बहुत ज़्यादा कम थे, तो इसलिए मैं कर सका। अगर आपकी क्लासेस ज़्यादा हो तो शायद आप ये काम ना कर सकें। तो आखिरी साल में मेरी इतनी क्लासेस नहीं थी, मैं 11:30 से तकरीबन 12:30 तक 1 घंटा और तकरीबन 4:30 से 7:30 3 घंटे में वहाँ पर काम करता था। तो जो मेरे खाने पीने के सारे चीज़ें थी मैं होटल में ही खाता था वहाँ पर जो हमारे कैंटीन में था। इसके अलावा वो 300-400 युआन देते थे, तो मतलब खर्चे पूरे हो जाते थे। पे है टिकटॉक और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चाइना में जैसे कि आपको पता है कि 80% जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन लोग ख़रीदना प्रेफर करते हैं, तो जो टिकटॉक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चीज़ें सेल करने के लिए। तो अगर आप टिकटॉक पे थोड़ा काम करते हो, कोई अच्छा कंटेंट डालते हो और आप इस पर कंसिस्टेंस हो और आपकी फॉलोवर्स 10 से तकरीबन 20,000 तक हो, तो बहुत सारे यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं या जो ब्रांड्स हैं वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं अपने वीडियोज बनाते हुए पहन लें या लाइव ब्रॉडकास्ट करके उन चीज़ों को बेच दें, तो उसके लिए एक अच्छे खासे रकम आपको देते हैं। तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अपने टिकटॉक भी वीडियोज़ बना के आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह की बाहर दुनिया में जैसे कि यूरोप में, पाकिस्तान, इंडिया में हम वहाँ पे यूट्यूब पे और फेसबुक पे मोनेटाइज करके हम कमा सकते हैं, इसी तरह चाइना में बिलीबिली और दूसरे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप वीडियोस बना के या ब्लॉग्स डाल के आप कमा सकते हैं। तो आप वहाँ से भी अपने पढ़ाई के साथ साथ वीडियोज़ डेली अपलोड करके आप कमा सकते हैं। जी जिसके ज़रिए आप आराम से बैठ के कमा सकते हैं वो है आपकी पावर राइटिंग। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड और आपके ग्रामर बहुत अच्छे हों तो यहाँ पे आप बैठ के कमा सकते हैं। इसके ये चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं और जो पीएचडी और मास्टर के स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए थीसिस लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो हमेशा ढूंढते हैं कोई हेल्प करे उनको रिव्यू करने के लिए उनके पेपर और उनके जो मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक और जो दूसरे मिस्टेक्स हैं वो ज़रा उनके करेक्शन कर दें। तो अगर आप उनके लिए काम करते हैं तो जो प्रोफेसर्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली आपको 1000 से 1500 युआन
आपको दे देते हैं अगर आप अच्छी तरह से काम करते हैं। जो मेरा पहला यूनिवर्सिटी था ओडिशा यूनिवर्सिटी में भी एक दो प्रोफेसर्स ने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किए कि आप ये काम कर सकते हो। इवन तो मैंने मना किया क्योंकि मेरी इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन मेरे जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे एक मेरे दोस्त है वो करते थे, फिर उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी और वो तकरीबन महीने में 2-3 पेपर रिव्यू करके 3-4 हज़ार युवान आराम से कमाते थे। इसके अलावा अगर आप अपने लिए भी पेपर पब्लिश करते हैं तो इस पे भी यूनिवर्सिटी वाले और जो आपके प्रोफेसर्स हैं वो आपको 1000-1500 वैसे ही आपको दे देते हैं। तो ये सबसे अच्छा और सिक्योर और आपकी फ्यूचर के लिए भी एक अच्छा जॉब है जो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप कर सकते हैं। अगर आपका चाइनीज़ लैंग्वेज पे थोड़ा ग्रिप हो और आपको बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज कम्युनिकेट करने में कोई मसला ना हो तो आप यहाँ पे बैठ के एज अ ट्रांसलेटर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसका ये सीन है कि जैसे कि आपको पता है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में बिजनेस हब बना हुआ है, तो बहुत सारे दूसरे कंट्री में जो लोग हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि आप फलान कंपनी में से कोई प्रोडक्ट का सैंपल हमें भेजें या उसका इन्फॉर्मेशन भेजें या कुछ पिक्चर भेज दें, तो वो इस मद में आपको आने जाने के खर्चा और आपको जो थोड़ा जेब खर्च है वो आपको दे देते हैं। इस तरह आप ट्रेवल भी करते हैं, अपने खर्चा भी आपको पूरा होता है और आप अपनी लैंग्वेज और जो बिजनेस स्किल्स है आप वो भी इन्हांस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो है वो हैं एजेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ एज एजेंट काम कर रहे हैं। उनका ये काम होता है अपने होम कंट्री से या दूसरे कंट्री से जो चाइना में पढ़ना आना चाह रहा हो उनका डेटा या इन्फॉर्मेशन डिग्री सारे लेके उनके जगह पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और जब उनको JW2 मिलता है वो उनको बेचते हैं और इसके बाद उसकी मद में अपने लिए थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं और स्टूडेंट के साथ साथ यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनसे भी तकरीबन अपने थोड़ा प्रॉफिट रखते हैं और इस तरह अपने पढ़ाई के साथ साथ जो अपनी जेब खर्च है वो पूरा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जॉब्स हैं आप जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर अगर आपकी फिजिक्स अच्छा हो तो आप यहाँ पर मॉडलिंग कर सकते हैं, आप मूवीज़ में एक दो मूवीज़ में आप काम कर सकते हैं जो जिनको थोड़ा बैक स्टेज पर एक दो लोग चाहिए हों। इसके अलावा अगर आपने कोई स्किल हो जैसे कि आप गिटार बजा सकते हो या आप स्केटिंग कर सकते हो तो आप यहाँ पर भी वो चीज़ें पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है अभी इस वक्त कोविड है तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर। आप अपने रूम में बैठ के इंग्लिश या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा के आप आसानी से कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में जानना हो या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह तो एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।